ये फोर्स 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में यार पहले से, और उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाता है 1 kg। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। कितने टाइम तक जो है बॉडी पे फोर्स लगता रहा। ठीक है चलो पहले समझो क्वेश्चन। अगर एक बॉडी है हम लोगों के पास रेस्ट है, रेस्ट मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उस पर 6 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। अब हमने ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंड ड्यूरिंग ए फोर्स बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास 1 ड्यूरिंग द बॉडी अटेंड वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कुछ टाइम बाद फोर्स लगाओगे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना यार, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसमें कुछ टाइम भी लग गया होगा। ठीक है भाई टाइम टी लग गया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। अब वही टी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाए यार, बहुत आसान है। ठीक है अब यहाँ पे बॉडी का एक्सलेशन कितना आ जाएगा, एक्सलेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास, एक ही तो फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का और मास कितना है 1 kg। ठीक है तो मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है तो जब वेलोसिटी 30 होगा तो टाइम कितना होगा, तो टाइम भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, बहुत आसान सवाल है। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 30 हो गया, इनिशियल 0 हो गया, एक्सलेशन 6 हो गया, टाइम टी हो गया, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है तो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 होगी।